So single plan understood. Now let us start with partial plan in the same example. तो heading में हम लोग खाली change करेंगे यहाँ पे and साथ साथ में ये सब cost वाला जो part है वो भी change होगा. Now formulas will remain same but few values will be altered. Yes, discuss. ये तीनों तीन वेरिएंट स्टेबल रहेंगे. So now, starting with partial plan. So partial plan says that opening stock and closing stock are valued on which basis? Actual cost. अब actual cost will differ. Actual cost will differ. If you are following FIFO method, LIFO method or weighted average. ऐसा सिंगल प्लान में इसलिए नहीं होता बिकॉज सिंगल प्लान में स्टॉक की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है समझे. बट अगर आप फीफो मेथड या लीफो मेथड या वेटेड एवरेज फॉलो करते हो तो अब डिफर होगा. नाउ इट विल गेट डिफर. लेट्स चेक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग फीफो मेथड. तो सिंगल प्लान के अंदर भी पहला हमारा कौन सा मेथड रहेगा? फीफो. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो आप ये जो 830 आपका कंजम्पशन आया है और आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 830 में सबसे पहले आपने ये 35 यूज कर लिया होगा. जैसे मैं यहां पे लिखता हूं रॉ मटेरियल ए, उसका कंजम्पशन है 830. तो 830 का जो कंजम्पशन है उसमें सबसे पहले क्या यूज हुआ होगा? ओपनिंग स्टॉक 35 का पहले यूज किया होगा. और बाकी कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी? 830 में से 35 माइनस करो 795. ये आपने कहां से लिया होगा? परचेज में. पहले आप ओपनिंग स्टॉक यूज करोगे फिर परचेज यूज करोगे. डू यू एग्री? यानी ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा ये किस में से बचा होगा? परचेज में से. जो लेटेस्ट परचेज होगा उसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचेगा. सबको पता चल रहा है? नाउ वैसे ही रॉ मटेरियल बी की बात करते हैं कि बी का हमारा कंजम्पशन कितना 1190. तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? ओपनिंग स्टॉक. कितना है ओपनिंग स्टॉक? 40. और फिर हमारा जो बाकी का रिक्वायरमेंट है 1190 माइनस 40, व्हाट इज आवर बैलेंस रिक्वायरमेंट? 1150. तो ये हम लोग कहां से यूज करेंगे? परचेज. इसका मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो लेटेस्ट परचेज में से, वो किस में से होगा? लेटेस्ट परचेज में से. डू यू अग्री? नाउ हम उसकी वैल्यू लिखते हैं कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये लेटेस्ट परचेज में से यानी 4.25. कौन सा वैल्यू आएगा बेटा? 4.25. एंड ये जो 50 रहेगा वो भी लेटेस्ट परचेज में से रहेगा 2.5. मानते हो ना? सो नाउ ये हमने वैल्यू यहां पे लिख दी इसकी. लेकिन व्हाट अबाउट ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक का हमको एक्चुअल कॉस्ट दिया ही दिया नहीं दी, तो हम लोग को स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा. नहीं दिया है इसलिए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ही लिख रहे हैं हम लोग 4 and 3. रीजन समझ में आया? बिकॉज इट इज नॉट गिवन. अगर दिया होता तो बोले, दिया होता तो बोले. पता चला? तो हमारा समरी क्या रहा कि ये 35 हमने यूज किए एट द रेट ऑफ 4 और 795 यूज किए एट द रेट ऑफ 4.25. बी में 40 यूज किया एट द रेट ऑफ 3 और 1150 यूज किया एट द रेट ऑफ 2.5. समझ में आ रही है बातें आपको? ये फीफो मेथड, पहले ओपनिंग फिर परचेस. और ये उसके नीचे उसके क्या लिखे? रेट्स. अब मल्टीप्लाई करते हैं. तो 35 इनटू 4 140, 5 इनटू दिस 21.25, माइनस करो दिस प्लस दिस माइनस 21.25, 3518.75. ये रॉ मटेरियल ए का है. अब बी 120, दिस विल बी 125, करेक्ट?
एंड नाउ डिडक्ट करोगे तो आएगा 2995. नाउ ए प्लस बी कितना हुआ? 6513.75. और अब यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड ही आया जो पहले लिखते थे, अब परचेज नहीं आएगा बिकॉज अब कौन सा प्लान है? पार्शियल पोस्टमार्टम. ए बी व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड? 830. लेकिन 830 के प्राइसेस अलग अलग, 830 सब एक ही प्राइस से नहीं है, कुछ 4 रुपए का है और कुछ 4.25 का है, पता चला? इसीलिए हम लोग 830 के भी दो पार्ट्स करके लिखते हैं. ओके, तो 830 जो कंज्यूम हुआ बेटा, उसमें 35 और 795 अलग अलग है. तो 35 क्या रेट से यूज हुआ? स्टैंडर्ड प्राइस 4 एंड 4 माइनस एक्चुअल प्राइस. तो एक्चुअल प्राइस क्या है? 4 एंड 4.25 वर्किंग है ना, उसके हिसाब से होगा. तो 4 माइनस 4 0, तो ये तो नील आ जाएगा. एंड दिस माइनस दिस इनटू 795 करो, 198.75 माइनस में ना. अब इसी तरह से बी का करते हैं, कि बी के अंदर है 1190, उसके भी दो पार्ट्स होंगे. तो ओपनिंग यूज हुआ है 40 और परचेज में से 1150. इन दोनों का स्टैंडर्ड प्राइस क्या लिखना है? 3 रुपीज 3 रुपीज. इसका एक्चुअल प्राइस क्या है? 3 रुपीज एंड 2.5. तो 3 माइनस 3 ये हो गया, ये तो इन दिस माइनस दिस इनटू 1150 575. फेवरेबल, और उसमें से माइनस करो 376.25. एडवर्स फेवरेबल, समझ में आ रही बात है? पक्का? कोई डाउट?